नमस्कार दोस्तों, मोटिवेशनल बैंकर में आपका स्वागत है। दोस्तों हमें आपके लिए जीआईबी सीआईबी और प्री प्रमोशन का वन स्टॉप सॉल्यूशन। फ्रेंड्स, ये वीडियो उन मित्रों के लिए है जो जीआईबी के बारे में रेगुलर हमसे क्वेरी करते रहते हैं कि सर रजिस्ट्रेशन कब से शुरू कर रहे हैं, तैयारी कैसे करनी है और एग्जाम 4 पेपर क्या हम क्लियर कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, ये सब उन मित्रों के लिए हम वीडियो बना रहे हैं। देखिए, सबसे पहले तो आपको बता देता हूँ, आज से 2 दिन बाद, आज 26 फरवरी हो चुकी है, 1 मार्च से रजिस्ट्रेशन शुरू हो जाएंगे। नॉर्मल फीस से रजिस्ट्रेशन होंगे, इसके बाद में 100 रुपीज पेनल्टी के साथ में और उसके बाद में 200 रुपए पेनल्टी के साथ में, यानी कि 21 मार्च तक, 1 मार्च से 21 मार्च तक आपके रजिस्ट्रेशन चलेंगे। ओके, पहले तो आप ये नोट कर लें, 1 मार्च से रजिस्ट्रेशन शुरू हो जाएंगे। तो हमारी कोशिश ये होनी चाहिए कि हम रजिस्ट्रेशन जो करें वो 1 या 2 मार्च को कर दें, यानी 7 से पहले पहले हमको रजिस्ट्रेशन कर देना है। क्योंकि कई बार क्या होता है कि कोई काम आ गया, हम भूल गए, तो आप समझिए कि आपका ये अटेम्प्ट खराब हो जाएगा। इसलिए आपको रजिस्ट्रेशन जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी करना है। कुछ मित्र हमसे क्वेरी करते रहते हैं कि सर हमने अभी अभी बैंक ज्वाइन किया है, हमारे पास आई कार्ड नहीं आया है, या हम बैंक ज्वाइन करने के प्रोसेस में उनको क्या करना है, उनको मैं बता देता हूँ। देखिए, प्रोसीजर क्या होता है, सबसे पहले आपको इंस्टीट्यूट का मेंबर बनना होता है। IIBF की जो हमारी वेबसाइट है वहां पे चले जाइए और अगर आपने बैंक ज्वाइन कर लिया है तो आप इसके मेंबर बन जाइए, ऑर्डिनरी मेंबर बन जाइए। मेंबर बन के जब आप एग्जाम देंगे तो ये आपका एग्जाम कहलाएगा JAIIB, जूनियर एसोसिएट ऑफ इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकर्स। ये एग्जाम आपका कहलाएगा JAIIB। पर वो मित्र जिन्होंने अभी तक ज्वाइन नहीं किया या बहुत रिसेंटली ज्वाइन किया, उनके पास में कोई डॉक्यूमेंट नहीं आया है इस तरह का जिससे वो इंस्टीट्यूट की मेंबरशिप के लिए अप्लाई कर सके, तो वो नॉन मेंबर, एज ए नॉन मेंबर भी एग्जाम दे सकते हैं। आपको मेंबरशिप की जरूरत नहीं है, एज ए नॉन मेंबर ही एग्जाम दे सकते हैं। नॉन मेंबर जो एग्जाम देंगे उनका एग्जाम कहलाएगा DBF, डिप्लोमा इन बैंकिंग एंड फाइनेंस। और जब आप ये चारों पेपर क्लियर कर लेंगे तो ये JAIIB में कन्वर्ट हो जाएगा। इंस्टीट्यूट ने कंफर्म किया है कि DBF का एग्जाम जैसे ही आप मेंबर बन जाएंगे या पेपर पास कर लेंगे, ये एग्जाम आपका JAIIB में कन्वर्ट हो जाएगा। इसलिए बिल्कुल भी कंफ्यूज होने की आपको जरूरत नहीं है, चाहे आप मेंबर हैं या नहीं हैं, अगर आपका बैंक में सिलेक्शन हो गया है तो आप वैलिडली JAIIB का एग्जाम दे सकते हैं। अब सवाल यह है कि JAIIB का एग्जाम कब होना है और कैसे होना है। तो ये तो बात हो गई आपकी रजिस्ट्रेशन की। रजिस्ट्रेशन की फीस आपको पता ही है, 4,000 रुपये जो फर्स्ट टाइम दे रहे हैं, और जो सेकेंड टाइम ऑनवर्ड्स दे रहे हैं उनके लिए 1,300 रुपीज का रजिस्ट्रेशन फीस है। ओके, अब बात करते हैं एग्जाम की। देखिए, आप सबको पता है 7 मई से आपके एग्जाम शुरू हो रहे हैं और 21 मई को खत्म हो जाएंगे, यानी पहले संडे को, फिर सैटरडे, फिर संडे और फिर संडे को, इस तरह से ही एग्जाम होंगे आपके। ठीक है, तो पहला एग्जाम है आपका इंडियन इकोनॉमी का, दूसरा एग्जाम है आपका प्रिंसिपल एंड प्रैक्टिस ऑफ बैंकिंग का, तीसरा एग्जाम है अकाउंट्स का और चौथा एग्जाम है आपका रिटेल बैंकिंग और वेल्थ मैनेजमेंट का। देखिए, जो लोग नए हैं या जो पुराने भी हैं उनको पता होगा कि पहला पेपर इंडियन इकोनॉमी एकदम नया पेपर है। रिटेल बैंकिंग पहले CIB में ये पेपर होता था, अभी चूंकि उसमें वेल्थ मैनेजमेंट को भी ऐड कर दिया गया है तो ये भी एक तरह से नया पेपर है। प्रिंसिपल एंड प्रैक्टिस ऑफ बैंकिंग और अकाउंट्स का पेपर जो है पुराना है, पर अकाउंट्स के पेपर में भी एक नया मॉड्यूल कॉस्ट अकाउंटिंग का ऐड कर दिया है, तो ये भी पेपर आपका पूरी तरह से चेंज हो गया है। यानी कि JIIB में इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग एंड फाइनेंस ने मेजर चेंजेस कर दिए हैं, तो इन मेजर चेंजेस के साथ में आपको तैयारी करनी है। तैयारी आपको जम के तैयारी करनी पड़ेगी, क्योंकि 3 की जगह अभी 4 पेपर हो गए हैं तो थोड़ा सा टफ हो गया। पर सबसे अच्छी बात यह है कि अभी नेगेटिव मार्किंग नहीं है, क्योंकि इंस्टीट्यूट ने नेगेटिव मार्किंग हटा दी है इस अटेम्प्ट के लिए, तो कम से कम उन्होंने डिक्लेयर किया कि नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी। आगे देखना पड़ेगा कि किस तरह से जाते हैं। तो हमारी कोशिश ये होनी चाहिए कि जो मई में हमारा एग्जाम हो रहा है, यानी 7 मई से जो एग्जाम हो रहा है, उसी में हम चारों पेपर की तैयारी करके और एग्जाम पास कर लें। देखिए, मुश्किल नहीं है JIIB करना, इस बार हम उम्मीद कर रहे हैं चूंकि नया सिलेबस है तो एग्जाम का पैटर्न भी काफी ईजी होना चाहिए, क्योंकि पहले 3 ही पेपर थे, एक अटेम्प्ट में आसानी से लोग पास कर लेते थे, अब 4 पेपर हो गए हैं, तो इंस्टीट्यूट भी चाहेगा कि लोग JIIB CIIB का एग्जाम पास करें। ऑफकोर्स उनकी नॉलेज बढ़े, पर एग्जाम पास करना भी उनके लिए जरूरी है, इसलिए ये एग्जाम भी इजी आने के चांसेस हैं। अब देखिए, सवाल ये है कि तैयारी कैसे करनी है। हम मोटिवेशनल बैंकर आपको 2 तरह का कोर्स प्रोवाइड कर रहे हैं, एक है 1 साल की वैलिडिटी से और दूसरा है 6 महीने की वैलिडिटी से। चारों पेपर हम आपको अवेलेबल करा रहे हैं, 12 महीने की वैलिडिटी भी है और 6 महीने की वैलिडिटी भी। अब देखो, लाइव क्लास हमारी रेगुलर चल रही है, आप यूट्यूब पर ज्वाइन कर सकते हैं। हम आपको MCQ दे रहे हैं, करीब 1000 क्वेश्चन का, हर पेपर में आपको MCQ देंगे।
वीडियो लाइब्रेरी दे रहे हैं, चैप्टर वाइज वीडियो लाइब्रेरी आपको मिलेगी, इससे आप कितनी भी बार इसको देख सकते हैं, तो आपको कोई टेंशन करने की जरूरत नहीं है। जितने भी वीडियो बन रहे हैं उनके सबके पीडीएफ नोट्स हम आपको अवेलेबल करा रहे हैं, तो आपको बुक्स खरीदने की जरूरत नहीं है। आप जानते हैं कि बुक्स की कॉस्ट मोर देन 2800 रुपीस है, उससे कम प्राइस में हम आपको ये कोर्स सारा वीडियो लाइब्रेरी, लाइव क्लास, एमसीक्यू, पीडीएफ सभी उपलब्ध करा रहे हैं। इसके अलावा फुल लेंथ मॉक टेस्ट भी देंगे। फुल लेंथ मॉक टेस्ट का मतलब क्या हो गया, 100 क्वेश्चंस के मॉक टेस्ट भी देंगे। तो जब आप इसको प्रैक्टिस करेंगे तो आपको पता चलेगा कि आपके 65 मार्क्स आ गए, तो आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा कि इसी तरह का एग्जाम का पैटर्न आएगा। आपको फुल लेंथ मॉक टेस्ट मिल रहे हैं, उससे आप पूरी तैयारी कर सकते हैं, तो आपको पता चल जाएगा कि हाँ मैं ये एग्जाम पास कर सकता हूँ। तो हमारी टीम के साथ में जुड़ जाइए। आपको पता है इंडियन इकोनॉमी के लिए दवेसर, आस्तिक दवेसर पढ़ा रहे हैं आपको, अकाउंट्स अभिजीत सर पढ़ा रहे हैं जो चार्टर्ड अकाउंटेंट है, प्रिंसिपल एंड प्रैक्टिस ऑफ बैंकिंग और रिटेल बैंकिंग मैं खुद पढ़ा रहा हूँ आपको। चारों की लाइव क्लास चल रही है, चारों की वीडियो लाइब्रेरी हम अपडेट कर रहे हैं, और आपको पूरा सिलेबस हम कवर कराएंगे, एग्जाम तक आपकी हैंड होल्डिंग करेंगे। एग्जाम के टाइम पे हम ये इंश्योर करेंगे कि आपकी लाइव क्लास है पूरे हफ्ते चलें। जो आपका जैसे 7th को आपका पेपर रहेगा समझिए इकोनॉमी का, तो पूरे 6-7 दिन हम आपको रोज प्रैक्टिस कराएंगे और ये इंश्योर करेंगे कि आप इंडियन इकोनॉमी का पेपर पास कर लें। ऐसे ही अगले जो पेपर हैं आपके, उनमें भी पूरे हफ्ते आपकी लाइव क्लासेस चलेंगी जो रिवीजन क्लासेस होंगी। तो हमारा मकसद ये है कि आप और हम मिलके दोनों एक ही बार में जीआईबी का एग्जाम पास कर लें। जो लोग एनरोल करना चाहते हैं उनके लिए डिस्काउंट कूपन मैंने दे रखा है अर्ली 23। ये डिस्काउंट कूपन अगर आप लगाएंगे तो आपको फर्दर 30% का यहाँ से डिस्काउंट मिल जाएगा, और जो बुक्स की प्राइस है इससे भी कम प्राइस में, बुक्स की प्राइस है मोर देन 2800, इससे भी कम प्राइस में आपको एक साल की वैलिडिटी का कोर्स दे रहे हैं हम, जिसमें लाइव क्लास, वीडियो लाइब्रेरी, एमसीक्यू, पीडीएफ नोट्स, फुल लेंथ मॉक टेस्ट सभी आपको मिलेगा। तो बिना इंतजार किए, संडे का दिन है, बिना इंतजार किए एनरोल कर लीजिए और फायदा उठाइए हमारी इस स्कीम का, जिसमें हम आपको अर्ली 23 से 30% का फर्दर डिस्काउंट दे रहे हैं। बहुत ही रीजनेबल प्राइस पर ये कोर्स आपके लिए उपलब्ध है। पूरी टीम आपके साथ लगी हुई है और हम ये इंश्योर करेंगे कि इसी अटेम्प्ट में आप जीआईबी पास कर लें। जब आप जीआईबी पास कर लेंगे तब तक हमारा सीआईबी का कोर्स भी तैयार हो जाएगा, तो फिर हम मिलके सीआईबी भी आपके साथ तैयारी करेंगे, ठीक है। तो जो लोग तैयारी करना चाहते हैं उनके लिए बता देता हूँ, रजिस्ट्रेशन शुरू हो रहे हैं 2 दिन बाद 1st of March से। अपने को पहले ही हफ्ते में रजिस्ट्रेशन करना है। मेंबर्स के लिए, नॉन मेंबर्स के लिए कैसे रजिस्ट्रेशन करना है वो मैंने बता दिया। अगर आपने बैंक ज्वाइन कर लिया है तो आईआईबीएफ की मेंबरशिप ले लीजिए, और बैंक ज्वाइन नहीं किया है तो एज ए नॉन मेंबर भी आप अप्लाई कर सकते हैं। कोर्स परचेज करने के लिए अर्ली 23 कूपन कोड लगाइए, 30% का डिस्काउंट लीजिए, और बुक से कम प्राइस में आप हमारा कोर्स खरीद सकते हैं। वीडियो लाइब्रेरी, मॉक टेस्ट, पीडीएफ, रिकॉर्डेड वीडियो, फुल लेंथ मॉक टेस्ट आपको सभी यहाँ पे मिलेगा। ओके फ्रेंड्स, सो ऑल द बेस्ट टू यू एंड थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।